राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। कुछ त्याग करने के लिए सब लोगों को तैयार होनी चाहिए, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सभी कम्युनिस्ट वगैरह मिलकर। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। 81 विधानसभा में जो हम लोग इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी और इस चरण में इस चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किसमें चुनाव लड़ेगा ये तय कर लिया जाएगा। अभी तक ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। हर राजनीतिक दल जो है चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, पर राजनीतिक एक ही मकसद हमारा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। तो कुछ त्याग करने के लिए सब लोगों को तैयार होनी चाहिए, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सभी कम्युनिस्ट वगैरह मिलकर। सर त्याग करने को तैयार है, सब कुछ त्याग करने की आवश्यकता है। मैं कहता हूँ कि जब सब त्याग करेंगे तो सबका बराबर होगा। सर पूरी फौज हिम्मत बी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मोहनलाल मांझी और कितना नाम ले, क्या कहेंगे पूरा? नहीं, क्योंकि ये इनके लोकल लीडर कोई नहीं बचा ना। अर्जुन मुंडा जीरो हो गए, बाबूलाल जी जीरो हो गए, बेचारे तो फिर बाहर से तो लाना पड़ेगा ना, क्या करेंगे? गलती नहीं है ना, क्योंकि बाबूलाल जी को तो एकदम यहाँ के जो झारखंड के जो स्थानीय नेता है इनों को पूरा इग्नोर किया जा रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा भी नॉमिनेशन भर लें, और हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, झारखंड के 30 लाख आदिवासी असम में है, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमको आदिवासी हित के बारे में इतना भाषण दे रहा है। 30 लाख आदिवासी वहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है जो चाय के बागान में काम कर रहे हैं, तो पहले हेमंत बिस्वा शर्मा उसका जवाब दे। पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ, आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये ना राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, ना समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं, और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में
आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है, नहीं मैं अपनी बात कह लूं, इस बात का कष्ट होता है। और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।